तो ठीक है बेटा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएचपी की सीरीज, ठीक है, जिसमें हम पीएचपी क्या होती है, क्यों यूज करते हैं इसको, ठीक है, और जितनी भी इसकी चीजें हैं उसको हम यहाँ पे इस लेक्चर सीरीज के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, के पीएचपी हमारे पास क्या है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले पीएचपी की फुल फॉर्म, पीएचपी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट पी प्रोसेसर। और ये पीएचपी, इसका सेकंड पॉइंट देखो, पीएचपी इज एन ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब देखो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आपको एक लैंग्वेज याद आई होगी इससे पहले, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब कि जो पीएचपी है ना, ये हमारे पास फ्रीली अवेलेबल होती है, ठीक है। मतलब इस पे काम करने के लिए हमें कहीं कुछ पे करना नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमें फ्रीली नेट पे अवेलेबल होती है, हम इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, देख रहे हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब कि जिस तरह से जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब प्रोग्रामिंग की तरह ही हम इसको यूज करते हैं, उसी तरह हमारे पास ये पीएचपी है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है जावास्क्रिप्ट में और पीएचपी में, देखो हमारे पास दो टाइप्स की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है, एक क्लाइंट साइड और दूसरा सर्वर साइड, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जिनका जिसका कोड हमारी क्लाइंट की मशीन के ऊपर रन होता है, सही है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जिनका कोड हमारे सर्वर पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। मतलब पीएचपी के साथ भी एक हमारे पास सर्वर आता है, हम उसको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, और जितना भी कोड मैं रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, वो सारा उस सर्वर के ऊपर क्या होगा, रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो तभी इसको हम क्या कहते हैं, पीएचपी को एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। आप देखो, हमारे पास जब भी हम एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पीएचपी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे कह रहा है, थर्ड पॉइंट इज यूज फॉर डेवलपिंग डायनेमिक वेब पेजेस, ठीक है। मतलब पीएचपी को अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि हमारे पास दो तरीके के वेब पेजेस होते हैं, एक स्टैटिक वेब पेजेस और एक डायनेमिक वेब पेजेस, सही है। मतलब दो तरीके की वेबसाइट होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसका कंटेंट चेंज नहीं होता, ठीक है, मतलब जिसका कंटेंट फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बच्चों के लिए कुछ वेबसाइट्स बनती हैं, ठीक है, ड्रेसेस के लिए कुछ वेबसाइट्स बनती हैं, ऑप्टिकल के लिए कुछ वेबसाइट्स बनती है कि जहां पे सिर्फ प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइसेस डिस्प्ले करवाई हुई होती है, ठीक है। मतलब उसमें यूजर का इतना इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, डायनेमिक वेबसाइट से मुराद कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट भी टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे और जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स होती है, आप ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हो, मतलब इंटरेक्ट कर रहा है ना एक स्टूडेंट वेबसाइट के साथ, और वो जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। उसके लिए भी हमें डायनेमिक मतलब ऐसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, और हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है, पीएचपी। क्योंकि देखो, अक्सर एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कि जावास्क्रिप्ट भी तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं डायनेमिक काम क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। वो वजह ये है, क्योंकि देखो जावा स्क्रिप्ट का जितना भी कोड है वो क्लाइंट साइड पर रन होता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप वेबसाइट बनाते हो उसको आप अपलोड कहाँ करते हो, इंटरनेट के सर्वर पे, सही है। मतलब आप एक सर्वर परचेज करते हो जिसको वेब होस्टिंग और डोमेन हम कहते हैं, ठीक है, वो परचेज करते हो और वहां पे अपलोड करते हो आप, ठीक है। इसका मतलब कि जो आपके पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बगैर आप ऐसी कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते जो इंटरनेट पे पब्लिश हो। क्योंकि इंटरनेट पे जब हम अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं तो वो एक सर्वर पे अपलोड होती है ना, ठीक है। मतलब हमारी वेबसाइट की जितनी एक्टिविटीज है वो सर्वर हैंडल करता है। तो यही वजह है कि हमें जब भी हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, हमें स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत लाजमी पड़ती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कुछ लिमिटेड काम कर सकता है, ठीक है। पीएचपी उससे आगे का काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई देखो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर मुझे
एक पेज का डेटा मल्टीपल पेजेस पे भेजना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लॉग इन फॉर्म होता है, हम लॉग इन करते हैं और उसके बाद जो यूजर नेम होता है वो हमें मल्टीपल पेजेस पे नजर आता है, ठीक है, ऊपर लिखा होता है नेविगेशन बार में कि किस नाम से आप लॉग इन हुए हो, ठीक है। तो ये काम मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर सकता, मतलब कि अगर मुझे डेटा एक पेज से मल्टीपल पेजेस पे ट्रैवल करवाना है तो मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर सकता ये काम, तब मुझे एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, सही है। और वो जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो हम यहाँ पे कौन सी यूज करेंगे, पीएचपी, सही है। और भी होती है, ASP.NET होती है और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वाई पॉइंट इज यूज फॉर डिवेलपिंग डायनेमिक वेब पेजेस, मतलब ऐसी वेब पेजेस जिसमें यूजर का इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, जिसका कंटेंट चेंज होता हो टाइम टू टाइम, और जिसमें डेटाबेस की सपोर्ट भी मौजूद हो, इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे पीएचपी, ठीक है। अब देखो, पीएचपी इज एम्बेडेड इन द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब पीएचपी किसके साथ अटैच करके हम यूज करते हैं, एचटीएमएल के साथ। मतलब देखो, जिस तरह से जावास्क्रिप्ट को आप एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हो ना, मतलब एचटीएमएल फाइल होती है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड आप लिख सकते हो, उसी तरह आप पीएचपी का कोड, मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड भी एचटीएमएल के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द वेब सर्वर, मतलब मैंने आपको बताया था ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई एक वेबसाइट होती है, जब हम उसे कंप्लीटली तौर पे बना लेते हैं तब वो अपलोड कहाँ पे होती है, इंटरनेट के सर्वर पे होती है, लेकिन एक डायरेक्ट इंटरनेट के सर्वर पे अपलोड करने से पहले हम ये तो चेक करते हैं ना कि हमारी वेबसाइट कैसे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वेबसाइट का एक पेज बनाया, उसको मैं रन करके देखता हूँ ना कि भाई उसमें कोई एरर तो नहीं है, सही है। तो रन करने के लिए भी मुझे एक सर्वर चाहिए, वेब सर्वर जो मेरी मशीन पे इंस्टॉल होगा, सही है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जब हमारी वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है तब वो इंटरनेट के सर्वर पे अपलोड होती है, लेकिन वहां पे अपलोड होने से पहले हमारे मशीन में कोई ऐसा डमी वेब सर्वर होना चाहिए जिसके ऊपर मैं अपनी वेबसाइट की सारी टेस्टिंग कर सकूं, डिबगिंग कर सकूं, और उसके बाद जब मेरी वेबसाइट मेरे वेब सर्वर के ऊपर जो मेरे मशीन पे इंस्टॉल हुआ हुआ है वो बिल्कुल सही वर्क कर रही है, तब इन द एंड मैं कहां पे अपलोड करता हूं, अपने इंटरनेट के सर्वर के ऊपर अपलोड करता हूं, सही है। मतलब ये मकसद होता है स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, ठीक है, ताकि हमें अपनी मशीन पे अपनी वेबसाइट को टेस्टिंग करना हो, मेंटेनेंस करनी हो, तभी यहाँ पे कह रहा है पीएचपी का जितना भी कोड है वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है, वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। और हम यहाँ पे वेब सर्वर कौन सा यूज करेंगे इसके साथ, अपाची वेब सर्वर, ठीक है। आपने सुना होगा कि हम ASP.NET के अंदर जो हमारी सीरीज हमने पढ़ी थी उसके अंदर IIS सर्वर यूज होता था, सही है, वो भी हमारी मशीन पे इंस्टॉल होता था। इसी तरह अपाचे वेब सर्वर भी आपने सुना होगा, वैम सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं, वैम सर्वर हो गया, जैम सर्वर हो गया, उसके साथ हमारे पास अपाचे वेब सर्वर आता है, पीएचपी आता है, MySQL आता है, ये सारी चीजें उसी के अंदर सपोर्ट होती है। तो जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे पीएचपी की, तब हम, क्योंकि हम विंडोज प्लेटफॉर्म पे है ना, ठीक है, तो हम यूज करेंगे वैम सर्वर, सही है। तो ये आगे जाके मैं अभी बताता हूँ इसमें। अब यहाँ पे देखो, वाई पॉइंट, पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मैंने बताया था दो टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जावास्क्रिप्ट और आपके पास पीएचपी, और पीएचपी क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसका मतलब जितना भी कोड है आप पीएचपी की, जितनी भी स्क्रिप्ट्स लिखते हो, जितना भी कोड लिखते हो, वो आपकी मशीन के ऊपर जो डमी सर्वर, डमी वेब सर्वर जो होता है ना उसके ऊपर इंस्टॉल होता है, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। फिर देखो, पीएचपी इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज, मैंने बताया था ओपन सोर्स है। आप देखो, ओपन सोर्स का वर्ड जिस टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिले, जरूरी नहीं है कि पीएचपी के साथ ही ओपन सोर्स लगता है, और भी बहुत सारी चीजें जिनके साथ ओपन सोर्स का कीवर्ड ये लगता है, वहां जहां भी ये ओपन सोर्स का कीवर्ड लग जाए आप समझ जाओ कि वो फ्रीली टू डाउनलोड होगी और फ्रीली टू यूज होगी, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर आ जाओ, एडवांटेजेस आर एस फॉलोज, मतलब पीएचपी के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले इजी टू लर्न, मतलब सीखने के लिए आसान है, यूज करने के लिए आसान है, और इम्प्लीमेंट, मतलब अगर इसके ऊपर हम इसके अंदर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ये पीएचपी को यूज करते हुए जब हम वो वेबसाइट बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो भी आसान होता है, ठीक है। फिर देखो, फ्रीली अवेलेबल, वही बात, कस्टमाइजेबल, इसके अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं।
फिर एग्जीक्यूटेड ऑन एनी वेब सर्वर ऑन एनी प्लेटफॉर्म। भाई देखो मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीएचपी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ रिस्ट्रिक्टेड हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो पीएचपी इज एन अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है, मतलब हमारे पास पीएचपी की पॉपुलैरिटी बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट, इट इज पावरफुल इनफ टू बी एट द कोर ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम ऑन द वेब। जिसकी किसकी बात कर रहा है, ब्लॉगिंग सिस्टम, मतलब बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम जिसको हम वर्डप्रेस कहते हैं, वो भी हमारे पास पीएचपी से मिलके बना, ठीक है, एक ये इसका मेन पॉइंट है। फिर इट इज डीप इनफ टू रन द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क फेसबुक, मतलब आपकी फेसबुक में भी कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, पीएचपी की लैंग्वेज यूज की गई है, मतलब इसकी पॉपुलैरिटी बता रहा है, मतलब फेसबुक में एट अ टाइम कितने लोग ऑनलाइन रहते हैं, मतलब कितने लोग एट अ टाइम उसको यूज करते हैं, मतलब पीएचपी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि जो इतनी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, जो इतनी फेमस वेबसाइट है, वो हमारे पास पीएचपी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर देखो इट इज ऑल्सो ईजी इनफ टू बी अ बिगिनर्स फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज, मतलब बिगिनर किसे कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी ये आसान होती है, ठीक है, मतलब उसको जो बिगिनर है उसके लिए इसको समझना बहुत आसान होता है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट भी है इसका पॉपुलैरिटी का, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो व्हाट इज अ पीएचपी फाइल, मतलब पीएचपी के अंदर जो हम फाइल्स क्रिएट करते हैं जो हमारे वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट होती हैं, जिस तरह एचटीएमएल फाइल्स होती हैं, ये सारी चीजें। तो देखो पीएचपी फाइल कैन कंटेन, मतलब पीएचपी फाइल के अंदर किन किन चीजों का कोड आ सकता है, देखो HTML, CSS, JavaScript, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, डिजाइन करने के लिए जो चीजें यूज करते हैं, HTML हो गया, CSS हो गया, JavaScript हो गया, और साथ साथ PHP कोड, मतलब ये चारों चीजें हम एक PHP फाइल के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अभी एक चीज और मिसिंग है, बूटस्ट्रैप, ठीक है, वो भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है, मतलब बूटस्ट्रैप अगर मैं यूज करूंगा अपनी पीएचपी फाइल्स के अंदर, तो एक तो वो डायनेमिक वेब पेजेस होंगे, और दूसरा जब मैं अपनी वेबसाइट को रन करूंगा तो वो हर डिवाइस के ऊपर बिल्कुल सही रिजल्ट देंगे, ये फायदा होता है बूटस्ट्रैप का, ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, पीएचपी कोड आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, ठीक है, मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो उसका कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट किया जाता है, तभी मैंने बताया कि हम एक डमी वेब सर्वर अपनी मशीन पे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम साथ साथ कोड कर रहे होते हैं ना, तो टेस्टिंग के लिए उसको हमें अपने वेब सर्वर के ऊपर चलाना पड़ता है, ठीक है। एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन HTML, मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखो जब भी आपको वो आर्किटेक्चर पता होगा, क्लाइंट सर्वर, मतलब क्लाइंट पे आपका ब्राउजर होता है, आप ब्राउजर पे कोई भी यूआरएल लिखते हो, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, वेब सर्वर के पास जाती है, किस वेब सर्वर के पास जाती है, जिस वेब सर्वर पे आपकी वो वेबसाइट रखी हुई है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैंने लिखा www.facebook.com, ठीक है, रिक्वेस्ट कहाँ गई, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ www.facebook.com, ये कहाँ लिख रहा हूँ मैं, अपने एप्लीकेशन, मतलब जो हमारे पास ब्राउजर होता है, जो हमारे पीसी के ऊपर इंस्टॉल होता है, उस पर मैं क्या लिख रहा हूँ, facebook.com, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी, किस सर्वर के पास जाएगी, जहां मेरे पास फेसबुक की वेबसाइट रखी हुई है, और रिटर्न में मतलब रिस्पॉन्स में ब्राउजर में क्या आता है, फेसबुक का सारा HTML का कोड, क्योंकि वेबसाइट का जो कोड हमें नजर आता है वो सारा बेस करता है HTML के ऊपर, क्योंकि वही हमें नजर आता है। तो इसका मतलब जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फेसबुक की वेबसाइट अपने सर्वर से, तो सर्वर मेरे ब्राउजर पे क्या दिखाता है, फेसबुक वेबसाइट का HTML का कोड डिस्प्ले करवाता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास होती है। फिर यहाँ पे देखो php files have extension .php, जिस तरह asp.net में हम यूज करते थे .aspx, सही है, उसी तरह यहाँ पे php की फाइल किस एक्सटेंशन में सेव होती है, .php, ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट कैन पीएचपी डू, मतलब पीएचपी कौन कौन से काम यहाँ पे कर सकती है हमारे लिए। सबसे पहले पीएचपी कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट,
डायनेमिक मतलब ऐसा कंटेंट जो टाइम टू टाइम अप टू डेट रहे, अपडेट होता रहे, ठीक है। स्टैटिक नाउ, फिक्स नाउ, सही है। ये काम हम कर सकते हैं किसके थ्रू, पीएसपी के थ्रू। फिर इसके बाद पीएसपी कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पीएसपी के थ्रू मेरे पास कोई फाइल्स है, मतलब मेरे पीसी में कुछ फाइल्स है, वर्ड की फाइल्स हो सकती है, नोटपैड की हो सकती है, एक्सेल की हो सकती है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकती है, उनको क्रिएट करना, उनको ओपन करना, उनके अंदर से डेटा रीड करना, उन फाइल्स के अंदर डेटा राइट करना, डिलीट करना और फिर फाइल्स को क्लोज करना, ये सारा काम भी हमें कौन करके दे सकता है, पीएचपी करके दे सकता है। एक तो ये पॉइंट है। फिर है पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा। मतलब आपको पता है ना आपके वेबसाइट पे फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह मैंने बताया कि जो हम डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी की मिसाल दी थी मैंने, उसमें ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, अगर वो वेबसाइट पीएचपी के ऊपर बनी हुई है तो मतलब वो जो सारा डेटा आपके फॉर्म का कलेक्ट करता है वो कौन करता है, पीएचपी करता है। फिर उसके बाद उस फॉर्म डेटा के साथ क्या काम करना है वो भी आपको पीएचपी बताता है सारी चीजें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। अब ये कुकीज क्या है भाई, देखो कुकीज का कॉन्सेप्ट आगे जाके डीप में हम पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट आया है तो मैं यहाँ पे आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। देखो कुकीज हमारे पास एक स्टोरेज फाइल्स होती है जो हमारे ब्राउजर पे सेव होती है, ठीक है। मतलब एक ऐसी मेमोरी फाइल्स होती है जो ब्राउजर के ऊपर सेव होती है। इनका काम क्या होता है भाई, देखो आपने देखा होगा कि हमारे पास लॉगिन फॉर्म्स होते हैं, लॉगिन पेजेस होते हैं, उसके अंदर हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। अब आपने देखा होगा लॉगिन फॉर्म्स में कि यूजर नेम और पासवर्ड के नीचे एक चेक बॉक्स होता है रिमेंबर मी का, ठीक है। उस रिमेंबर मी के ऊपर चेक लगा के जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो वो जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो हमारी कुकीज में स्टोर होता है, और कुकीज कहाँ पे स्टोर होती है, हमारे ब्राउजर में, हमारी क्लाइंट मशीन पे जो ब्राउजर होता है वहां पे स्टोर होती है। तो जब आप रिमेंबर मी के ऊपर चेक लगाते हो और जब आप लॉग इन करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप अपने वेबसाइट में एंटर हो जाते हो। फिर जब आप लॉग आउट करते हो और नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल एक दिन बाद आप आए और उसी वेबसाइट को एक्सेस किया, उसी लॉग इन फॉर्म को एक्सेस किया, तो यूजर नेम और पासवर्ड पहले से आपके टेक्स्ट बॉक्सेस में शो हो रहा होता है। क्यों शो हो रहा होता है, क्योंकि आपने रिमेंबर मी के ऊपर चेक लगाया होता है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है ना कि जब आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो यूजर नेम के अंदर आपका यूजर नेम भी आ रहा है पहले से और पासवर्ड भी आ रहा है, लेकिन पासवर्ड बुलेट्स की फॉर्म में आ रहा है ताकि वो नजर ना आए। तो आप डायरेक्ट लॉग इन पे क्लिक करोगे और आप कहां हो जाओगे, अपनी वेबसाइट में एंटर हो जाओगे। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि आपको दोबारा से यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं होती। और ये सारा काम हम किसके थ्रू करते हैं, कुकीज के थ्रू करते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर देखो पीएचपी कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी वेबसाइट बना रहा हूं जिसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्ट भी हो सके, उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा अपडेट भी हो सके, मॉडिफाई भी हो सके और स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट भी हो सके, और ये सारा काम डेटाबेस के अंदर हो रहा हो। मतलब जो फॉर्म नजर आएगा मुझे वो पीएचपी के थ्रू बना हुआ होगा, लेकिन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का सारा काम डेटाबेस के थ्रू हो रहा होगा। ये सारा काम भी मैं पीएचपी के थ्रू कर सकता हूं। अब देखो डेटाबेस की बात आई है तो मैं आपको यहां पे बताता जाता हूं कि हम पीएचपी के साथ कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे। हम यूज करेंगे MySQL, ठीक है। अगर किसी ने SQL सर्वर पढ़ा हुआ है तो उसको MySQL पढ़ना कोई मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मेरी नजर में, मेरे पर्सनल ओपिनियन में 80% SQL सर्वर और MySQL सेम है। कुछ चीजों का डिफरेंस है, कुछ चीजें ऐड की गई हैं, कुछ साइंटिक्स का भी डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन अगर आपको SQL सर्वर का कॉन्सेप्ट है तो आप इजिली MySQL की चीजों को भी पिक कर लोगे, ठीक है। अब देखो फिर देखो कह रहा है यहाँ पे पीएचपी कैन यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस, ठीक है। मतलब मल्टीपल यूजर वेबसाइट पे आते हैं उनको डेटा एक्सेस करना, ये सारा काम भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर देखो पीएचपी कैन इनक्रिप्ट डेटा, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इनक्रिप्ट का मतलब हमारे डेटा को सिक्योर करना, फॉर एग्जांपल इसके पीएचपी की वेबसाइट के अंदर अगर मैं पासवर्ड्स का यूज कर रहा हूं तो पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज में आपका पासवर्ड कन्वर्ट हो जाता है जो हैकर रीड नहीं कर सकता,
ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पासवर्ड रखा आदिल 123, ठीक है। अब वो आदिल 123 एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, देखो लैंग्वेज आपको वो समझ तो आती है, क्योंकि वो जो एनक्रिप्टेड डेटा होता है ना, वो अल्फाबेट्स जो हमारे पास ए टू जेड अल्फाबेट्स होते हैं, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट्स का वो पासवर्ड कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आदिल 123, ठीक है। अब इनक्रिप्ट वो कैसे होगा, XX, YY, AA, at the rate के सिंबल, मतलब इस तरह से वो इनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब एक दूसरी लैंग्वेज के अंदर वो सिक्योर हो जाता है, मतलब वो लैंग्वेज समझ तो आती है लेकिन अगर वो आप पासवर्ड फील्ड में डालोगे तो वो लॉग इन नहीं हो सकेगा, सही है। ये एक कॉन्सेप्ट है इनक्रिप्शन का, इनक्रिप्ट डेटा का, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो PHP के बारे में और बताया हुआ है कि विद PHP यू आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट HTML, मतलब PHP के साथ आप लिमिटेड नहीं हो कि आप अपने पेज पे सिर्फ HTML का पेज ही दिखाओ, मतलब सिर्फ HTML का कोड ही दिखाओ, ये PHP के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब HTML के कोड के अलावा आप क्या क्या चीजें डिस्प्ले करवा सकते हो, देखो इमेजेस डिस्प्ले करवा सकते हो, PDF फाइल्स हम ओपन करवाते हैं ना अपनी वेबसाइट्स के अंदर, वो आप काम कर सकते हो, इवन फ्लैश मूवीज, मतलब आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जिनके अंदर मूवीज चल रही होती हैं, वहां से आप मूवीज डाउनलोड भी करते हो, इंस्टॉल भी, मतलब अपने पास डाउनलोड भी करते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर यू कैन ऑल्सो आउटपुट एनी टेक्स्ट, मतलब कोई टेक्स्ट भी आप एज अ रिजल्ट में अपनी वेबसाइट पे, PHP की वेबसाइट पे डिस्प्ले करवा सकते हो, सच एज XHTML एंड XML, मतलब XML का कंटेंट भी हम अपनी PHP की वेबसाइट में एज अ आउटपुट शो करवा सकते हैं, ये चीज है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो वाई PHP, मतलब PHP को यूज क्यों किया जाए, एक तो सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये है PHP runs on various platforms, ठीक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे रन हो सकता है, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, OSX और भी एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, मतलब इनके ऊपर आपके पास ये PHP रन हो सकता है इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। फिर देखो PHP इज कंपेटेबल विद ऑलमोस्ट ऑल वेब सर्वर यूज टूडे, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए आपको एक वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी जो आप अपने मशीन के ऊपर इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो आप वेब सर्वर के कुछ नाम दिए हैं, अपाचे, IIS, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, हम क्या यूज करेंगे, अपाचे वेब सर्वर यूज करेंगे जिसपे हम सारा अपना जो PHP का कोड होगा वो एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। अब IIS आपको याद होगा, IIS हमने ASP.NET के साथ पढ़ा था, MVC के साथ पढ़ा था, ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया था हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और वेब सर्वर के अंदर अपाचे, MySQL, PHP की सपोर्ट बिल्ट इन मौजूद होती है, सही है, एक तो ये पॉइंट है, तभी हम अपाचे वेब सर्वर यूज करेंगे। फिर देखो PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस, मतलब जरूरी नहीं है कि आप PHP के साथ जो डेटाबेस कनेक्ट करो वो MySQL ही हो, ठीक है, मतलब मैंने बताया ना कि हम जो हम इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर काम करेंगे वो हम PHP के साथ कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, MySQL, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और भी एक डेटाबेसिस की लिस्ट है वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब उन डेटाबेसिस के साथ भी आप PHP को यूज कर सकते हो, सही है, एक तो ये पॉइंट है। फिर देखो PHP इज इजी टू लर्न एंड रन्स एफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड, मतलब आसान है सीखने के लिए, और इसका जो कोड होता है, मतलब ये जो रन होती है वेबसाइट, ये काफी एफिशिएंट होती है, मतलब एक तो फास्ट भी होती है, ठीक है, और रिजल्ट भी आपको, मतलब एरर वाइज कोई एरर आ जाता है वो भी आपको बिल्कुल सही तरह वो डिस्प्ले करवाती है, डिबगिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सारा काम इसके थ्रू बिल्कुल इजीली होता है।